आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव दुपैड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 11 किलोमीटर है। 2200 वोटों वाले इस गांव की कमान राजकुमार के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान राजकुमार और सचिव रणवीर सिंह द्वारा इस गाँव को 4 वर्षों में किस तरह से सजाया गया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के दुपैड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ अब तक प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अब तक करवा दिए हैं? गाँव में रोडें पड़वा दी, एक शमशान घाट का निर्माण बन गया है। मतलब आपने अपने कार्यकाल में अपनी निधि द्वारा जी, लगभग पूरी हो चुकी है जी। आवास वगैरह मिले हैं? हाँ मिले हैं जी, 22 आवास मिले हैं ग्राम पंचायत। यहाँ जैसे सरकार, केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या आपके गांव में इनका लाभ सभी लोगों तक पहुंच पाता है? हाँ, कनेक्शन का तो सभी लोगों तक पहुंच चुका है, थोड़ी बहुत ही लोग मिलेंगे। गैस कनेक्शन का भी लगभग 80% मिला। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है गांव में? ना, कूड़ेदान रखवाएंगे। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सबके बने हुए हैं? पेंशन वगैरह सबको मिल रही है? पेंशन कुछ लोगों को नहीं। स्कूल में कार्यकल के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल में बॉन्डी करा दी, टाइल बिछवाई है, रसोई में टाइल लगवाई है, और जो भी काम है मतलब रिवॉर्ड का, पानी या जो भी है आपने सब यहाँ पर करवाया है जी। गांव में जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? पंचायत घर भी नहीं है? नहीं। बारात घर भी नहीं है? नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र? नहीं। खेल का मैदान? नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र भी जो है नहीं है यहाँ? हाँ, नहीं। अप्लाई ग्राम समाज की जगह नहीं है या किस वजह से? मतलब ग्राम समाज की जगह थी, कई अधिकारियों के पास गए लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। क्या किस तरह? मतलब ऐसे ग्राम समाज एक किसान के मतलब अंतर में है, कोशिश की गई लेकिन वो बेफल रही। द्वारा उस पर कब्जा है? हाँ, कब्जा है। वो कब्जा मुक्त कराने की आपने कोई कोशिश की लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं? कोई कुछ नहीं जी। डीएम साहब से भी मिले, डीएम से भी 4 बार मिले, तहसीलदार साहब से भी मिले, लेकिन कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई अभी तक। अभी ऐसी रखी जी। यहाँ पर अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम सरकार यही मांगना चाहते हैं कि मतलब ये रजौड़ा कचना देव में एक शमशान घाट बन जाता जी, बाकी काम तो सब सही जी। बारात घर, पंचायत घर बनने का आप चाहेंगे? कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? यहाँ होंगे करीब तीनों गांव में करीब 60-65। ODF तो पूरी ग्राम पंचायत हो चुकी है। कितने मीटर रास्ता अभी कच्चा होगा, लगभग कितने मीटर CC से पूरा पक्का आपका जो है ग्राम पंचायत पूरी पक्की हो जाएगी? हमारी ग्राम पंचायत में कम से कम 200-300 मीटर। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे CC टाइल्स कार्य, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लगभग 22 लोगों को मिल चुके हैं। शौचालय से भी ये गाँव पूरी तरह से ODF हो गया है। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण कराया गया है और कुछ काम अभी भी जारी है। इसके साथ ही यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ काफी मूलभूत समस्याएं ऐसी सामने आई हैं जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र तक यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसका कारण है कि ग्राम समाज की भूमि कुछ किसानों और दबंगों द्वारा यहाँ कब्जाई जा चुकी है, जिसके लिए यहाँ कई बार शिकायत और प्रस्ताव यहाँ प्रधान द्वारा रखा जा चुका है लेकिन अभी तक शासन या प्रशासन किसी के भी द्वारा कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही यहाँ एक अपने पंचायत में जो मजरा इनका लगता है रजोड़ा, उसमें शमशान घाट को लेकर ये मांग करते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, ट्विटर 24 से जी। क्या नाम आपका? प्रीति श्रीवास्तव। आप इस विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं प्रधान। ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? यहाँ पे हमारे स्कूल में जो दिक्कतें थी मैंने सब प्रधान जी से अपनी समस्या कही और प्रधान जी ने उस पर काम कराना शुरू कर दिया। 4 दीवारी और गेट तो प्रधान जी ने बनवा दिया था,
उसके बाद इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, दो कमरे ऐसे थे जिसकी फर्श ठीक नहीं थी, तो प्रधान जी ने अपनी फर्श भी तोड़वा के बना दी है। और इसके अलावा जो पूरे स्कूल में कहीं ना कहीं से टपकन जरूर आती है, कहीं पर ज़्यादा होती कहीं पर कम, तो प्रधान जी से मैंने यही कहा था बारिश में जो टपकन होती है, बारिश आती है और दीवारें भी नम हुई। ये हमारा ऑफिस है, आप इसका जो कॉर्नर है यहाँ पे, वहाँ भी सीलन की दिक्कत रहती है, तो जो भी सामान रख रहा है अलमीरा ला रही हूँ नहीं, उसमें भी सीलन से दिक्कत। तो ये चीज़ मैंने प्रधान जी से कही, तो प्रधान जी अब मेरी हर बात को समझते हैं, प्रधान जी की ये बात अच्छी, हर बात को समझा उन्होंने हमारी समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघ सिंह जी है। ये कहाँ रहते हो? राम दोपेड़ा। अच्छा, विकास को लेकर क्या कहोगे यहाँ? विकास तो ऐसा मानो पहले कम से कम अभी 4 साल पहले यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति थी, परियों परियों का गाड़ी रपटती थी, आने वाले रिश्तेदार थे वो भी ये धोखा करते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और इन ये हमारे ग्राम दोपेड़ा के राजकुमार प्रधान जी जी हैं, इन्होंने जो बहुत अच्छा विकास करवाया है सब में, ये आप टहले देख रहे हो, सब इन्हीं की हाथ की हैं, और अन्य गाँव में भी काम हुआ है, टहले बिछी हैं, बहुत बढ़िया करके विकास करवाया है इन्होंने प्रधान जी ने हमारे। आपको दिक्कत नहीं है? अब फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, सब काम सही है और बढ़िया चल रहा है।